अस्सलाम वालेकुम ग्रेट फोर, आई होप यू ऑल आर फाइन। लेट्स बिगिन विद आवर लेसन नंबर 3, हाउ एनिमल्स लिव। हमने इसके अंदर पढ़ा कि एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है, उनके हैबिटेट, उनके फूड और उनकी जो भी रहन सहन है उसके मुताबिक उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें उड़ने वाले जानवर आते हैं, रेंगने वाले, घास फूस खाने वाले और एनिमल्स खाने वाले जानवर हैं। इस तरह से हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल के जो एनिमल्स ज़मीन पे रहते हैं उनको कहते हैं टेरिस्ट्रियल एनिमल्स, और जो एनिमल्स अंडर वाटर होते हैं We call them aquatic animals। जो लोग animals की study करते हैं उनको जो animals की study करते हैं वो कहलाया जाती है zoology, और जो लोग zoology को study करते हैं उनको कहते हैं zoologist। Animals with vertebrates, animals with backbones आर कॉल वर्टिब्रेट एनिमल्स, जिनकी बैकबोन होती है वो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, और वो एनिमल्स जो बैकबोन नहीं रखते उनको इनवर्टिब्रेट एनिमल्स कहते हैं। एम्फीबियंस आज हमने पढ़ना है। First we have to mention today's day, that is Monday, and date is 17 May 2021, amphibians, frogs, toads, newts and salamanders live both on land and in water, ये जमीन पे भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं जानवर, they have legs that enables them to move on land, उनके जो पाँव हैं वो ज़मीन पर चलने के काम आते हैं, वो इस तरह से होते हैं उनके पाँव के वो ज़मीन पे बड़े आराम से चल सकते हैं, लेकिन पानी के अंदर भी वो तैरने के काम आते हैं। एंड आल्सो स्विम इन वाटर, व्हेन इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, जैसे फ्रॉग, टर्टल और सलामेंडर और न्यूट, ये अपनी स्किन के थ्रू, इनकी जो स्लाइमी स्किन है इसके थ्रू पानी के अंदर सांस लेते हैं। दे आल्सो हैव लंग्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ ऑन लैंड, लेकिन इनके अंदर लंग्स भी मौजूद होते हैं जिससे ये ज़मीन पे सांस लेते हैं। अंडर वाटर ये अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं और ज़मीन पे लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स यानी पानी के जानवर, एक्वेटिक का मतलब है पानी, पानी के जानवर, फिश, क्रैब्स, टर्टल्स और श्रिम्स लिव इन वाटर, मछलियाँ और क्रैब्स ये पानी के अंदर ज़िंदा रहते हैं। दे हैव फिन्स और स्पेशल लेग्स विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, इनकी फिन्स होते हैं और स्पेशल लेग्स होती हैं जिससे ये पानी के अंदर तैरते हैं। दे ब्रीथ और एयर डिजॉल्व इन वाटर थ्रू गिल्स, ये सांस लेते हैं गिल्स के थ्रू पानी में, और हवा जो पानी में डिजॉल्व हुई हुई होती है, मिली हुई होती है, उससे ये टेक इन करते हैं गिल्स के थ्रू। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। इसको रीड आउट कीजिएगा, कोई क्यूरियो तो यू कैन आस्क मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।